महान भाव मनुष्य एक बंधन में है। मनुष्य का जीवन बंधन में है, बचपन माता पिता के बंधन में चला जाता है, शेषव गुरु के बंधन में चला जाता है, जवान हुए तो पत्नी का बंधन आ जाता है और पत्नी का बंधन इतना मजबूत होता है कि आदमी उसमें बंध करके अपने माँ बाप को विसरा दिया करता है। और बुढ़ापा जब आदमी को आता है तो आदमी पराजित हो जाया करता है। इस तरह से आदमी की जो कहानी है, आदमी की जो जीवनी है, वो बंधन की कहानी है, वो बंधन की जीवनी है। बहुत से लोग बंधे हुए पैदा होते हैं, बंधे हुए जीते हैं और बंधे हुए मर जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि बंधन में तुम्हारा जन्म हुआ है, यह दुर्भाग्य नहीं है, क्योंकि सभी का जन्म बंधन में हुआ करता है। इस दुनिया में पैदा होने वाला, इस ब्रह्मांड में आने वाला, इस जगत में पांव रखने वाला हर आदमी बंधन में हुआ करता है, बंधन में जन्म लेता है, बंधनों के बीच में पैदा हुआ करता है। लेकिन बंधन में जन्म लेना दुर्भाग्य नहीं होता है, अपितु बंधनों के बीच में जीना और बंधनों में ही मर जाना यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है, यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य हुआ करता है। हर व्यक्ति जेल में जन्म लेता है। यहाँ श्री कृष्ण ही जेल में जन्म नहीं लिया करते हैं, हर व्यक्ति जेल में जन्म लिया करता है, हर व्यक्ति कारागृह में जन्म लिया करता है, हर व्यक्ति कारागृह के बीच में पैदा हुआ करता है। लेकिन कारागृह के बीच में आदमी जिए और उसी कारागृह के बीच में आदमी मर जाए तो यह जीवन का सबसे बड़ा अभागा बन है, यह जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बंधनों के बीच में, कारागृह के बीच में आदमी पैदा हो और स्वतंत्र होके मरे, यह जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं लोगों से कहता हूं, जिस घर में पैदा हुए हैं उसी घर में मत मर जाना, नहीं तो समझना कि कारागृह में पैदा हुए और कारागृह में जिए और कारागृह में ही चल बसे। शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में मरता नहीं है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी हुआ करता है, जो बुद्ध पुरुष हुआ करता है, जो तीर्थंकर पुरुष हुआ करता है, जो अवतार पुरुष हुआ करता है, वो जिस घर में, जिस परिवार में, जिस गांव में पैदा होता है, उस घर में, उस कमरे में, उस कक्ष में, उस खाट पर, उस पलंग पर वो मरता नहीं है। वो कहीं और जाकर के अपने जीवन का चिराग बुझा दिया करता है, वो कहीं और जाकर के इस देह को छोड़ दिया करता है। अरे जिस तरह से शेर जिस गुफा में पैदा होता है उस गुफा में नहीं मरता है, किसी जंगल में, जंगल की किसी पहाड़ की चोटियों पर, किसी नदी के किनारे, किसी मैदान में अपने प्राण छोड़ दिया करता है। ठीक इसी तरह से जो ज्ञानी होता है वो बंधनों से मुक्त होकर के इस दुनिया को छोड़ता है। इसीलिए कबीर को कहना पड़ा, मरना भला विदेश का जहान अपना। कबीर ने कहा कि मरना भला विदेश का जहां अपना कोई। कबीर दास जी कहते हैं, बड़ी मार्मिक बात कहते हैं, बड़ी सूत्र की बात कहते हैं, बड़े पते की बात कहते हैं, बड़ी समझदारी की बात करते हैं, बड़ी होशियारी की बात करते हैं। कबीर जी कहते हैं कि मरना भला विदेश का जहां ना अपना कोई, वहां पर मरना जहां तुम्हारा अपना कोई ना हो। जहां तुम्हारा अपना कोई नहीं होगा वहां परमात्मा तुम्हारा होगा, वहां भगवान तुम्हारा होगा, वहां ईश्वर तुम्हारा होगा, वहां परम ब्रह्म तुम्हारा होगा। जीवन के अंत में आदमी की कोशिश होना चाहिए, आदमी की भावना होना चाहिए, आदमी की कामना होना चाहिए कि हे भगवान, मरते वक्त मुझे आपका नाम स्मरण होना चाहिए, आपका नाम मेरे मुखमंडल पर बना रहना चाहिए, मेरे हृदय पर बसा रहना चाहिए, मेरे आपके चरण कमल मेरे हृदय में बस जाए और मेरा हृदय आपके चरणों में रम जाए। ये प्रार्थना भगवान से करो, ये अर्चना भगवान से करो।
भगवान से कभी मांगने का मन करे, याचना करने का मन करे, तो इतनी ही याचना करना, इतनी ही प्रार्थना करना कि मृत्यु के वक्त मुझे आपका नाम स्मरण बना रहना चाहिए, मृत्यु के वक्त मुझे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम का जाप याद होना चाहिए, मृत्यु के वक्त मुझे अपने भगवान का, अपने ईश्वर का, अपने सदगुरु का मुझे नाम स्मरण बना रहना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मृत्यु के वक्त धर्मात्मा मेरे निकट हो, मृत्यु के वक्त कोई साधु मुनि कोई ज्ञानी मेरे निकट हो, मृत्यु के वक्त मुझे भगवान का नाम सुनाने वाला कोई मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए मेरे प्रभु मेरे स्वामी, बस यही मांगता। मरना भला विदेश का जहान अपना कोई। कबीर अगर कहता है कि मरना जहां विदेश का जहान अपना कोई, तो कबीर के कहने का मतलब यही है कि जहां मर तुम्हारा कोई नहीं होगा वहां भगवान तुम्हारा होगा, वहां सदगुरु तुम्हारा होगा, वहां ईश्वर तुम्हारा होगा, वहां वो परम पिता तुम्हारा होगा, और तुम्हारे साथ यदि परम पिता होगा तो तुम्हारा मरण निश्चित ही सुमरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही धार्मिक मरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही पंडित मरण होगा, तुम्हारा मरण निश्चित ही समाधि मरण होगा, और जिसका पंडित धार्मिक समाधि मरण हो जाए उसका जीवन तो सुधरता ही है, उसका मधक मरण भी सुधर जाया करता है। तो बंधनों से ऊपर उठ करके जियो। बचपन मां बाप के बंधन में निकाल दिया, जवानी पत्नी के बंधन में निकाल दी, तो बुढ़ापा भगवान के बंधन में निकाल दो, जीवन सुधर जाएगा, नैया उस पार लग जाएगी। तीन पन में से एक पन तो आदमी को धर्म के लिए, प्रभु के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए समर्पित कर देना चाहिए। कुछ ऐसे मूर्ख लोग पैदा हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे नासमझ लोग पैदा हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे नादान लोग पैदा हो जाया करते हैं जो बचपन भी भोग वासना में निकाल देते हैं। बचपन बालपने में ज्ञान न लायो, तरुण समय तरुणी रत रहे हो, अर्ध मृतक संबूढ़ा पनो कैसे रूप लखे आप। बचपन तो अबोझ बालपन अज्ञान में निकल गया, ना समझी और नादानी में निकल गया, मिट्टी के घरों दी पनाते बनाते निकल गया, जवानी विषय भोगों में निकल गई। अब बुढ़ापा है तुम्हारे पास, उसको पकड़ लो। बचपन पलक झपकते निकल जाया करता है, जवानी भी पलक झपकते निकल जाया करती है, लेकिन बुढ़ापा बहुत धीरे धीरे निकला करता है, बहुत दुखदाई हुआ करता है। अरे जिस तरह से घड़ी में तीन सुइयां हुआ करती है, एक सेकंड की, एक मिनट की, एक कांटे की, तीन सुइयां हैं घड़ी में, जो सबसे बड़ी सुई होती है ना वो सबसे छोटा काम करती है, सबसे तेज भागती है लेकिन सबसे कम चलती है। जो बड़ी सुई हुआ करती है वो सबसे छोटी काम छोटा काम किया करती है। तो घड़ी में तीन सुइयां हुआ करती है, सेकंड की जो सुई है वो बचपन की है, बचपन सेकंड की भांति बहुत तेजी से भागा करता है, मिनट की जो सुई है वो जवाने की भांति हुआ करती है, जवानी भी बहुत जल्दी जल्दी भागती है, और घंटा घंटे के कांटे को देखना, घंटे की सुई को देखना, न भागता हुआ दिखेगा न चलता हुआ दिखेगा, इसके बावजूद भी वो भाग रहा है, इसके बावजूद वो चल रहा है। आदमी की मौत कभी आती हुई नहीं दिखती है, आदमी की मौत कभी जाती हुई नहीं दिखती है, आदमी को अपनी आती हुई मौत दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह तय है आदमी की मौत आ रही है और आदमी की मौत की तरफ जा रहा है। हर पल मृत्यु तुम्हारी तरफ बढ़ रही है और हर पल तुम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो, जीवन धीरे धीरे चुक रहा है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता भी कैसे चलेगा, क्योंकि तुम्हें किसी ज्ञानी का सानिध्य ही नहीं मिला। ज्ञानी का सानिध्य नहीं मिलेगा, ज्ञानी का समागम नहीं मिलेगा, ज्ञानी का सत्संग नहीं मिलेगा, ज्ञानी का संदेश नहीं मिलेगा, ज्ञानी का उपदेश नहीं मिलेगा, ज्ञानी का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, ज्ञानी का संकेत नहीं मिलेगा, ज्ञानी का इशारा नहीं मिलेगा, तो जीवन का कायाकल्प नहीं होगा, जीवन का उद्धार नहीं होगा, जीवन का कल्याणमय रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है, इसी जीवन से तुम स्वर्ग पा सकते हो और इसी जीवन से तुम नरक पा सकते हो। स्वर्ग और नरक परमात्मा के हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में। स्वर्ग और नरक परमात्मा के हाथ में नहीं हुआ करते हैं, स्वर्ग और नरक तुम्हारे हाथ में हुआ करते हैं। स्वर्ग और नरक का जन्म परमात्मा के द्वारा नहीं हुआ करता है, अरे स्वर्ग और जन्म नरक का जन्म तुम्हारे हाथों के द्वारा हुआ करता है। स्वर्ग और नरक की यात्राएं तुम्हारी अपनी स्वयं की निजी यात्राएं हैं।
तुम्हारे द्वारा ही पैदा होते हैं, स्वर्ग और नरक तुम्हारे हाथ में, स्वर्ग और नरक जाने का निर्णय तुम्हारा अपना निर्णय है। एक आदमी शराब पीता है तो ये परमात्मा की मर्जी से नहीं पी रहा है, एक आदमी मांस खाता है मांसाहार करता है तो भगवान की मर्जी से नहीं खा रहा। इस मुल्क के तथाकथित बेईमान लोग कहते हैं क्या करूं, भगवान की मर्जी ही ऐसी थी। एक शराब पीने वाले आदमी को मैंने पूछा कि भाई तू शराब क्यों पीता है, एक मांस भी खाने वाले आदमी से मैंने कहा कि तू मांसाहार क्यों करता है, एक चोरी काट करने वाले आदमी से जो जेब काटा करता है उससे मैंने पूछा कि तू लोगों की जेब क्यों काटा करता है, एक डाकू था जो लोगों को लूटा करता था लुटेरा था, मैंने कहा तू लोगों को क्यों लूटता है, उस आदमी ने कहा क्या करूं भगवान की ऐसी ही मर्जी। मैंने कहा बेईमान चुप, परमात्मा को अपने धंधे में क्यों लाता है, भगवान की कोई माही मर्जी नहीं होती है, भगवान की कोई इच्छा नहीं होती है, भगवान की कोई अभिलाषा नहीं होती है। अगर एक आदमी शराब पी रहा है तो शराब पीना ये उसका स्वयं का निर्णय है, ये कोई भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान को बीच में क्यों लाते हो भाई साहब, भगवान को बीच में मत लाइए। एक तो अपराध कर रहा है, लूट रहा है, चोरी कर रहा है, डाका डाल रहा है, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, मांसाहार कर रहा है, लोगों को सता रहा है, लोगों के प्राणों का अपहरण कर रहा है, ऊपर से भगवान को लाता है, या भगवान के बहाने भगवान की आड़ में इस दुनिया में न जाने कितने पाप हुए, कितने अपराध हुए। याद रखना इतिहास बताता है कि पिछले 2500 सालों में 5000 युद्ध हुए हैं धर्म के नाम पर, पिछले 2500 साल में, पिछले 2500 साल में 500 युद्ध हुए हैं, छोटे बड़े 500 युद्ध हुए हैं और 5000 युद्ध हुए हैं। उस 5000 युद्ध में 10 करोड़ लोगों की मौत हुई है और वो 5000 युद्ध मालूम है धर्म को, पंथ को, मजहब के नाम पर हुई है। जितना खून खराब है इस मुल्क में धर्म और मजहब के नाम पर हुआ है, उतना खून खराब जमीन चर और जोरू के लिए नहीं हुआ है। ये वो धर्म है जो दीवार का काम करता है। याद रखना धर्म जब पुराना हो जाता है तो उस धर्म में विकृतियां आ जाया करती है, उस धर्म में विकार आ जाया करते हैं, उस धर्म में कई बुराइयां आ जाया करती है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं कि 500 साल बाद मकान गिरा जाना चाहिए। मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, 100 साल बाद मकान गिरा देना चाहिए, 500 साल के बाद मंदिर गिरा देना चाहिए और 1000 साल के बाद धर्म मिटा देना चाहिए। क्योंकि 1000 साल के बाद एक लंबे अंतराल गुजर जाने के बाद उस धर्म में कई विकृतियां आ जाया करती है, उस धर्म में कई बुराइयां आ जाया करती है, उस धर्म में कई विकार आ जाया करते हैं, उस धर्म में कई कचरा कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाया करता है। इसलिए 100 वर्ष के बाद मकान गिरा देना चाहिए, 500 साल के बाद मंदिर गिरा देना चाहिए और 1000 साल के बाद धर्म मिटा देना चाहिए, या उस धर्म का परिष्कृत कर देना चाहिए, उस धर्म का शुद्धिकरण होना चाहिए। आज सभी धर्मों में कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, मुनिश्री आप ये बताइए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, सबसे अच्छा धर्म कौन सा है। यही बात भगवान महावीर से किसी ने पूछी थी। 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के मूल संस्थापक भगवान ऋषभदेव और भगवान महावीर से जब यह प्रश्न पूछा गया कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, दुनिया का सर्वोत्तम धर्म कौन सा है, दुनिया से सबसे अच्छा धर्म कौन सा है, तो भगवान महावीर ने राजागिरी की पंच पहाड़ियों पर बैठ करके जनता जनार्दन के नाम जो संदेश दिया था, उस संदेश में कहा था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म नमो मंगल मुद्दिठम अहिंसा संयो तबो, अहिंसा तप और संयम ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जैन धर्म सबसे अच्छा है, महावीर ने यह नहीं कहा कि हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, महावीर ने यह नहीं कहा कि बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है, महावीर ने कहा कि जिस धर्म में अहिंसा हो, जिस धर्म में संयम हो, जिस धर्म में तप हो, अहिंसा संयम तप ये धर्म के प्राण हुआ करते हैं, अगर धर्म में से अहिंसा संयम और तप को निकाल दिया जाए तो वो धर्म मुर्दा हो जाया करता है, वो धर्म अंधकार हो जाया करता है, वो धर्म पत्थर की नाव हो जाया करता है और पत्थर की नाव में जो बैठेगा वो भी डूबेगा और जो उस नाव को चलाने का केवनहार बनेगा वो भी डूबेगा। मुझसे पूछा लोगों ने दुनिया का सबसे अच्छा धर्म कौन सा है,
मैंने कहा धर्म सभी अच्छे हैं लेकिन उनके अनुयायी अच्छे नहीं हैं। जितने भी धर्म इस दुनिया में है, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो वैष्णव धर्म हो, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे अन्य और कोई समुदाय का धर्म हो, सभी धर्म अच्छे हुआ करते हैं लेकिन उन धर्मों की अनुयायी अच्छे नहीं है, उस धर्म को मानने वाले अच्छे नहीं है, उस धर्म के आचरण को जीने वाले अच्छे नहीं है। आज हर धर्म के अनुयायियों के जीवन में बुराई आ गई है। हर धर्म का मानने वाला अपने धर्म के मूल उसूलों से भटक गया है, मूल तत्वों से भटक गया है। धर्म को केवल हमने आडंबर बना लिया, उसका प्रचार तो बहुत किया जा रहा है, प्रदर्शन तो बहुत किया जा रहा है लेकिन उन उसूलों को, उन सिद्धांतों को, उन नियमों को सही ढंग से जिया नहीं जा रहा है। ध्यान रखना, धर्म सभी अच्छे हैं लेकिन उस धर्म के अनुयायी अच्छे नहीं। अगर किसी धर्म में विकृति है, विकार है, दोष है, बुराई है तो उस धर्म की वजह से नहीं है, उस धर्म के तथाकथित धर्मात्माओं की वजह से है। सभी धर्मों में आज कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है, उस कूड़ा करकट को जलाने की जरूरत है, उस कूड़ा करकट को नष्ट करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं अपने प्रवचनों में अक्सर करता हूं कि धर्म में आग लगा दो। मेरी बातें तुम्हें जरा तीखी लगेंगी, मेरी बातें तुम्हें जरा तेज लगेंगी, मेरी बातों को सुनकर तुम कहोगे ये कैसा मुनि है जो कह रहा है कि धर्म को आग लगा दो। पता नहीं कहां जाएंगे हम धर्म को आग लगाने के बाद, किस नरक में जाकर के सड़ेंगे। मेरे अभिप्राय को समझना, मेरी बातें तुम्हें तीख लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें तेज लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग सकती है, मेरी बातें तुम्हें झूठी लग सकती है, मेरे शब्द तुम्हें हृदय की तरह, तीर की तरह तुम्हारे हृदय को चुभ सकते हैं, लेकिन मेरे अभिप्राय को समझना, मेरी आकांक्षा को समझना, मेरी भावना को समझना। मैं कह रहा हूं कि धर्म को आग लगा दो ताकि धर्म में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है वो जल करके भस्म हो जाए। याद रखना, धर्म कभी नहीं जलेगा। जलेगा वो जो नकली होगा, जलेगा वो जो झूठा होगा, जलेगा वो जो धोखाधड़ी होगा, जलेगा वो जो गलत होगा, जलेगा वो जो मिथ्या होगा। धर्म तो ईश्वर है, धर्म तो शाश्वत है, धर्म कभी नहीं जल सकता। अरे धर्म अगर आग में चला जाए तो धर्म जलता नहीं है, अपितु आग ही जल बन जाया करता है, अपितु आग ही जल जाया करती है। धर्म कभी नहीं जलता, इसलिए धर्म में आग लगाने के लिए अगर मैं कह रहा हूं तो मेरा अभिप्राय यह है कि धर्म में जो बुराई आ गई है, धर्म में जो टूटियां आ गई है, धर्म में जो विकार और विकृतियां आ गई है, वो विकृतियां जल जाना चाहिए, वो बुराइयां जल करके भस्म हो जाना चाहिए ताकि धर्म की नई आभा प्रकट हो जाए, ताकि धर्म का नया स्वरूप प्रकट हो जाए। और जब धर्म अपनी नई आभा को लेकर के प्रकट होगा, वो धर्म मानव के लिए कल्याणकारी होगा, वो धर्म समाज के लिए कल्याणकारी होगा, वो धर्म सृष्टि के लिए मंगलकारी हुआ करेगा। तो मैं कह रहा हूं इस जगत में बहुत से लोग पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शराब पीते हैं, व्यसन करते हैं। उनसे पूछो, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो? कहते हम क्या करें साहब, ऊपर वाले की मर्जी ही ऐसी है। ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से आप नदमा डालिए। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई भगवान, ऐसा कोई परमात्मा इस सृष्टि ब्रह्मांड में नहीं बैठा है जो तुम्हें चला रहा है, जो तुम्हें नचा रहा है। भगवान महावीर कहते हैं, जैन धर्म का जो एक मौलिक सिद्धांत है, वो सिद्धांत कहता है कि आदमी अपने कर्मों को स्वयं करता है, अपने कर्मों का फल स्वयं भोगता है। आदमी जो कर रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है, और जो करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा, ईश्वर की मर्जी नहीं चलती है। वहां तो केवल अर्जी चलती है, अर्जी लगाओ तो उसकी सुनवाई हो जाएगी, उसकी कोई मर्जी नहीं। जैसी तुम्हारी अर्जी वैसी ही उसकी मर्जी। उसकी कोई मर्जी नहीं होती है क्योंकि उसमें कोई मर्जी ही नहीं है। मर्जी रोग, क्योंकि राग द्वेष से ऊपर उठ गया। भगवान को तुम कहते हो ना, वो भीतर आ गई है, वो राग द्वेष नहीं करता है। अगर वो राग द्वेष करने लगे तो फिर हम में और उसमें क्या फर्क रहा। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान को बीच में मत लाना, परमात्मा को बीच में मत लाना, ईश्वर को बीच में मत लाना। अगर ईश्वर को बीच में लाओगे तो पाप बढ़ जाएंगे। आज दुनिया में धर्म के नाम पर पशुओं की बलि दी जाती है, किसी देवी के नाम पर देवी के सामने किसी जानवर को हलाल कर दिया जाता है, किसी जानवर की गर्दन काट दी जाती है। लोगों से पूछा गया क्यों, बोले माँ के लिए बलि दे रहे। नो, ऐसी कोई माँ नहीं है जो किसी के प्राणों की प्यासी हो जाए, ऐसी कोई देवी नहीं है जो किसी के खून के प्यासी हो।
अगर माँ है तो वो माँ अपने बेटे की प्राण कैसे मांगेगी? कोई माँ अपने बेटे की प्राण नहीं लिया करती है। अरे माँ तो बेटे को प्राण दिया करती है, माँ तो बेटे के प्राणों का पालन किया करती है, माँ तो जीवन का संरक्षण बनकर के आया करती है। लेकिन जो लोग देवी के नाम पर बलि देते हैं, जानवरों की कुर्बानी दिया करते हैं, जानवरों का बलिदान किया करते हैं, वो धर्म की आड़ में किया करते हैं, देवी की आड़ में किया करते हैं। याद रखना, वो देवी की उपासना नहीं करते हैं अपितु देवी की आड़ में अपने स्वार्थों की पूर्ति किया करते हैं, अपने घोरक धंधे चलाया करते हैं, अपने स्वाद के लिए और अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदनाम किया करते हैं, देवी को बदनाम किया करते हैं, किसी देवता को बदनाम किया करते हैं। धर्म के नाम पर किसी जीवों की बलि देना, उनकी हत्या करना, यह धर्म नहीं सिखाता है, यह धर्म नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन करना चाहता, मैं कह रहा हूं स्वर्ग और नरक तुम्हारी स्वयं की यात्रा है, स्वर्ग और नरक तुम्हारे स्वयं के निर्णय है। नरक जाओगे तो अपने निर्णय से जाओगे, स्वर्ग जाओगे तो अपने निर्णय से जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति सड़क पर पाप करता है, सड़क पर बलात्कार करता है, सड़क पर स्मगलिंग करता है, व्यापार में स्मगलिंग करता है, चोरी करता है, रिश्वतखोरी करता है, धोखाधड़ी करता है, मिलावट करता है, तो याद रखना, अगर किसी आदमी ने चोरी करके, डाका डाल करके, लूट करके, किसी की हत्या करके, अगर किसी की स्मगलिंग करके, तस्करी करके अगर 1000 रुपए कमाए और 1000 रुपए कमा करके अगर 100 रुपए मंदिर में चढ़ा देता है, 100 रुपए भगवान को चढ़ा देता है, तो भगवान उस 100 रुपए से प्रसन्न होने वाला नहीं है, ईश्वर उस 100 रुपए से खुश होने वाला नहीं है। और अगर कोई ईश्वर उस बेईमानी से कमाए हुए धन को पा करके, अगर उस बेईमानी अनीति और अन्याय से कमाए हुए धन से अगर कोई ईश्वर कोई परमात्मा खुश हो जाता है, तो मेरी आत्मा उस परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है, मेरी आत्मा उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है। मैं ऐसे परमात्मा को स्वीकार नहीं करता जो रिश्वतखोरी करके, स्मगलिंग करके, धोखाधड़ी करके, छल कपट करके, किसी की हत्या करके, किसी को लूट करके वो पाप कमाता है, उस पर वो पाप कमाता है और 1000 रुपए कमा के 100 रुपए मंदिर में चढ़ा देता है, और उस मंदिर में चढ़ा करके अगर वो ईश्वर प्रसन्न हो जाया करता है, तो मैं उस परमात्मा को मानने के लिए राजी नहीं हूं, मैं उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं हूं। याद रखना, परमात्मा तुम्हें तो माफ कर सकता है, लेकिन तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर सकता। परमात्मा तुम्हें माफ कर देगा, तुम्हारे पापों को माफ नहीं करेगा। तो स्वर्ग और नरक तुम्हारा स्वयं का निर्णय है। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। ऐसा साहित्य आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18, फरीदाबाद, हरियाणा। फोन नंबर 01292262549। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना, अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना, अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना।
तो मैंने कहा परमात्मा तुम्हें तो माफ कर सकता है लेकिन तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर सकता, तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता, तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्मों को माफ नहीं कर सकता। यदि एक व्यक्ति सड़क पर बलात्कार करता है, चोरियां करता है, लोगों को लूटता है, डाका डालता है, रिश्वतखोरी करता है, स्मगलिंग करता है, तस्करी करता है, 1000 रुपये कमाता है और 500 रुपये अगर भगवान को चढ़ा देता है, और कोई भगवान कोई परमात्मा वो 100 रुपये से प्रसन्न हो जाता है, तो मेरा मन उस परमात्मा को मानने के लिए राजी नहीं है, मेरी आत्मा उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है, मेरा मन उस परमात्मा को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं है जो गलत तरीके से आए हुए 100 रुपये को पाकर के खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। परमात्मा गलत तरीके से कमाई हुई धन को कभी स्वीकार नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति गलत है, गलती करता है, पाप करता है, पापी हो जाता है, तो उसको दंड मिलना ही चाहिए, गलत आदमी को गलत का दंड मिलना ही चाहिए, और जो सही है उसे सही का फल मिलना चाहिए। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इंसान हो इंसानियत से जियो, मनुष्य हो अपने में मनुष्यता पैदा करो। आदमी आदमी के काम ना आ सके तो उस आदमी का होना और ना होना क्या मतलब रखता है? अगर आदमी मंदिर में जाता है, 1000 रुपये का दान कर दिया करता है, 10000 रुपये का दान कर दिया जाता है, कर दिया करता है, और अगर उस आदमी के पड़ोसी को अगर कैंसर का रोग हो जाया करता है और वो अपने इलाज के लिए अगर तुमसे 500 रुपये मांगता है और तुम 500 रुपये अगर उसकी सहायता के लिए नहीं देते हो, तो याद रखना परमात्मा तुम्हारे 10000 रुपये भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भगवान को तुम्हारे 10000 रुपये की जरूरत नहीं है, मंदिर को तुम्हारे 10000 रुपये की जरूरत नहीं है, ईश्वर को तुम्हारे 10000 रुपये की जरूरत नहीं है, खुदा को तुम्हारे 10000 रुपये की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हारे रुपये की जरूरत है उस जरूरतमंद आदमी को जो कैंसर रोग से पीड़ित है लेकिन अपना उपचार नहीं करा सकता है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, उसके पास साधन नहीं है, तो तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते उसकी सेवा करो, उसे 500 रुपये की सहयोग राशि दो। अगर तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे पड़ोसी का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पिता की हैसियत नहीं है कि वो अपने बेटे को पढ़ा लिखा सके, तो तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? यही फर्ज बनता है कि मंदिर में जाकर के 10-10 रुपये की चढ़ा दो? नहीं, यह फर्ज नहीं बनता है। तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने पड़ोसी के बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, उसे अपने पैरों पर खड़ा करो। अगर तुमने अपने पड़ोसी के बच्चों पर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उसे जीवन जीने के लिए आपने जीविका का साधन जुटा दिया, तो समझ लेना कि आपने भगवान की पूजा कर ली, आपने भगवान की अर्चना कर ली, आपने भगवान के चरणों में भोग लगा दिया और आपके भोग कबूल कर लिया गया है, आपके अर्घ को स्वीकार कर लिया गया है। तुम्हारा फर्ज क्या है? रोज सुबह शाम भगवान के चरणों में 56 तरह के व्यंजन चढ़ा दो, अष्ट थाली भर भर के अष्ट द्रव्य चढ़ा दो? नहीं, तुम्हारा फर्ज है इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, ईश्वर का पुत्र होने के नाते तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम भोजन करने के लिए बैठे हो और तुम्हें यह पता चल जाए कि आज तुम्हारा भाई भूखा बैठा है, तो अपनी आधी थाली का अपनी थाली का आधा भोजन अपने पड़ोसी भाई को दे दो, अपने साधर्मी को भाई को दे दो, तो तुम्हारी पूजा स्वीकार हो जाएगी। मंदिर में जाकर के आदमी 8-8, 10-10 द्रव्य भोजन चढ़ा दे, सामग्री चढ़ा दे, भोजन पूजन की सामग्री चढ़ा दे, वो महत्वपूर्ण नहीं हुआ करती है। अरे परमात्मा के चरणों में वो भावना महत्वपूर्ण होती है कि अगर आदमी भोजन करने के लिए बैठा हो और उसे ये पता चल जाए कि आज पड़ोसी के घर कुछ खाने को नहीं है और तुम्हारा पड़ोसी भूखा बैठा है, तो अपनी भोजन की थाली में आई हुई 4 रोटी में से 2 थाली उस पड़ोसी भाई को दे दो, उस साधर्मी को भाई को दे दो, तुम्हारी पूजा सार्थक हो जाएगी, तुम्हारा इंसान होना सार्थक हो जाएगा। इंसानियत की मंदिर को बरकरार रखो, मनुष्यता की मंदिर को बरकरार रखो। मैं लोगों से कहता हूं
कभी कोई मंदिर टूट जाए तो ज़्यादा चीखना चिल्लाना नहीं, कोई मस्जिद टूट जाए तो ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना। मंदिर टूट जाए तो ज्यादा चिल्लाने चीखने की जरूरत नहीं है, मस्जिद का मीनार टूट जाए तो ज्यादा शोर शराबा मना की जरूरत नहीं है। अरे मंदिर टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, मस्जिद टूट जाएगी तो फिर बन जाएगी, लेकिन यदि मनुष्य टूट गया, मनुष्यता टूट गई, इंसानियत टूट गई, तो फिर इंसानियत दोबारा नहीं बन पाएगी, मनुष्यता दोबारा नहीं बन पाएगी। इसलिए मंदिर मस्जिद टूट जाए तो चिंता नहीं करना, लेकिन इंसानियत को नहीं गिरने देना, मनुष्यता को नहीं टूटने देना। मनुष्यता टूट जाती है तो मंदिर और मस्जिद का होना फिर कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, इंसानियत सबसे बड़ा मंदिर है, मनुष्यता सबसे बड़ा मंदिर है। वो मंदिर जब तक जिंदा है तो धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, हमारे आदर्श जिंदा है, हमारे मूल्य जिंदा है। भारत जैसा मुल्क हजारों हजारों साल के बावजूद भी अपनी वजूद को बना करके रखता है, अपने अस्तित्व को बना करके रखता है, अपनी अस्मिता को बना करके रखता है, तो उसकी वजह जो मुझे समझ में आती है वो वजह केवल यही है कि इस मुल्क के संस्कार, इस मुल्क की परंपरा, इस मुल्क के आदर्श, इस मुल्क के मूल्य जो दुनिया को यह संदेश देते हैं कि मनुष्यता को बरकरार रखा बना करके रखो, मनुष्यता को अपने आप में जागृत करके रखो। आदमी आदमी के काम आए, यही इंसानियत है, यही मनुष्यता है, यही मानवता है। मंदिर में जाओ तो दुनियादारी बाहर ही छोड़ जाओ। मंदिर में प्रवेश करते ही जैसे जूता और चप्पल मंदिर के दरवाजे पर उतार दिया करते हो, ठीक इसी तरह से संसारिकताओं को भी दरवाजे पर रख दीजिए, संसार के विलास भोसों को भी, संसार के कर्मों को भी वहां दरवाजे पर रख दीजिए, अपने अहंकार को भी दरवाजे पर रख दीजिए, अपने काम क्रोध लोभ मद मोह को भी दरवाजे पर रख दीजिए, संसार के विकल्प, संसार की वार्ताओं को, संसार के क्रियाकलापों को मंदिर में ले जाकर के मत जाइए, ख्याली होकर के जाइए। कुछ लोग मंदिरों में जाकर के एक दूसरे की आलोचना किया करते हैं, एक दूसरे की बुराई किया करते हैं, एक दूसरे की टीका टिप्पणी किया करते हैं, ये आदत ठीक नहीं है। मंदिर में बैठ करके किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, अपने पाप को बढ़ाना है, महान पाप का बंद करना है, पाप को अपने जीवन में बुलाना है। अरे वहां जाकर के तो भगवान की प्रार्थना करना चाहिए, दुनिया के कल्याण की कामना करना चाहिए, भगवान जिनेन्द्र से प्रार्थना करना चाहिए, सर्वे भवंतु सुखना सर्वे संतु निरामया, जगत के कल्याण की कामना करो, जगत के उद्धार की कामना करो, और जिनेन्द्र के चरणों में बैठ कर के भावना करो, क्षेमम सर्व प्रजानाम, सारी प्रजा का कल्याण हो, राजा का कल्याण हो, नरेश का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश में सुख समृद्धि हो, समय पे वर्षा होवे, कहीं दुष्काल ना पड़े, कहीं अकाल ना पड़े, कहीं भूकंप ना आए, सबको जीने का अवसर मिले, सबके कल्याण के रास्ते प्रशस्त हो, ऐसी प्रार्थना श्री जी के चरणों में बैठ कर के करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग मंदिर में बैठ करके एक दूसरे के घरों में आग लगाने का काम करते हैं। दो महिलाओं की बात मैं सुन रहा था, मुझे बहुत ताजुब लगा। एक महिला कह रही थी कि बहन तुझे पता है, दूसरी महिला ने कहा क्या हुआ बहन, तो पहली महिला ने कहा कि बहन उस महिला को देखो, उसने अपने घीरे से लड़के को कोड़ियों के भाव बेच दिया। दूसरी महिला ने कहा बहन आखिर क्या हुआ, बोली उसने अपने लड़के की शादी में कुछ भी दहेज नहीं लिया। तो पहली वाली महिला ने कहा कि जरूर उसके लड़के में कोई दोष रहा होगा, कोई कमी रही होगी, कोई कमजोरी रही होगी, इसलिए उसने अपने लड़के को गरीब के घर ब्याह दिया, गरीब की बेटी से शादी कर दिया। मैं पूछता हूँ वो महिला है मंदिर में आकर के धर्म कर रही है या पाप कर रही है, मंदिर में आकर के धर्म कर रही है अधर्म कर रही है, आप विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। वो मंदिर में बैठ करके किसी के घर की परिवार की सुख समृद्धि की कामना नहीं कर रही है, अपितु किसी घर में आग लगाने का काम कर रही है, किसी के घर को तोड़ने और बर्बाद करने का काम कर रही है। ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा, ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब आप मंदिर में जाएं, मंदिर में प्रवेश करते ही संकल्प कर लेना, मैं धर्म के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा, मैं सत्संग के अलावा कोई चर्चा नहीं करूंगा,
मैं भजन कीर्तन तत्व ज्ञान के अलावा मंदिर में कोई अन्य चर्चा नहीं करूँगा। इतना संकल्प जरूर करें तो मंदिर जाना सार्थक होगा। इतनी प्रतिज्ञा से अपने आप को बांध लीजिए, मंदिर में बैठकर किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की टीका टिप्पणी करना, यह पाप के बंध में कारण हुआ करता है। और ऐसा आदमी मंदिर में जाकर के अपने जीवन में गुला कुठारा कात कर लिया करता है। अरे आदमी जो संसार में पाप करता है, घर गृहस्थी में पाप करता है, उस पाप का क्षय तो मंदिर में आके हो जाया करता है, उस पाप का प्रायश्चित तो मंदिर में आदमी कर लिया करता है। लेकिन मंदिर में श्री जी के चरणों में बैठ करके अगर कोई पाप करेगा, उसका प्रायश्चित कहाँ होगा, उसका शुद्धि कहाँ होगी, उसका निवारण कहाँ होगा? उसका निवारण तो नरक में ही होने वाला है, और कहीं होने वाला नहीं है। तो मंदिर में जाओ तो दुनियादारी को मंदिर के दरवाजे पर रख दो, वहीं जहां जूते और चप्पल उतार दिया करते हो। महिलाओं से एक गुजारिश और करूंगा, क्योंकि महिलाओं का मंदिर में ज्यादा आधिपत्य तो रहता है, मंदिर महिलाओं से भरे हुए होते हैं। इसलिए महिलाओं से निवेदन करूंगा कि जब आप मंदिर में जाए भगवान के दर्शन के लिए, सत्संग में जाए मुनि के प्रवचन सुनने के लिए, तो मंदिर और सत्संग में जाने से पहले इस बात का ख्याल रखें, वहां बहुत सादे कपड़े पहन करके जाएं, अपने आप को बहुत सजा करके संवार करके ना जाएं, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा आभूषण पहन करके ना जाएं। क्यों? मंदिरों में सभी घरानों की महिलाएं जाती है, आप तो भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए की साड़ी भी पहन लोगी, 5-10 हज़ार के आभूषण भी पहन लोगे, 5-50 हज़ार के सोने के आभूषण पहन लोगे। लेकिन जब आप इतनी महंगी साड़ी पहन करके, इतने अच्छे कपड़े पहन करके, बहुत ज़्यादा आभूषण पहन करके मंदिर में जाओगे, एक मध्यम परिवार की महिला आपको देखेगी, अपने साधारण कपड़ों को देखेगी, तो उसके मन में हीन भावना पैदा हो जाएगी, उसके मन में हीन भावना पैदा होगी, उसके मन में लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये एक साधारण सी साड़ी, छोटे से आभूषण, हे भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसके भाव बिगड़ जाएंगे, उसके परिणाम बिगड़ जाएंगे, उसके मन में हीनता आ जाएगी, उसके मन में विकल्प पैदा हो जाएगा, और उस हीनता उस विकल्प में कारण आप बनेगी, तो आप चाहे अनचाहे पाप के आश्रम में कारण बन जाएगी, आप उसके परिणाम के बिगड़ने में कारण बनेगी, आप अनजाने में ही एक अपराध कर बैठेगी, एक गुनाह कर बैठेंगे। इसलिए अगर अपने वस्त्रों का प्रदर्शन करना है, अपने आभूषणों का प्रदर्शन करना है, अपने श्रृंगार का प्रदर्शन करना है, बहुत बड़ा संसार पड़ा है, वहां जाके कर लेना, लेकिन मंदिर में जाकर के नहीं करना, क्योंकि वहां सभी तरह की महिलाएं आएंगी, आपके अच्छे वस्त्रों को देखकर, अच्छे आभूषणों को देख करके, आपके साज श्रृंगार को देख करके उनकी प्रार्थना तो खो जाएगी, उनके मन में दुख पैदा हो जाएगा, उनकी आत्मा को ठेस लग जाएगी, उनके मन में हीन भावना हो जाएगी, और उसकी वजह से आपका मंदिर जाना पाप के बंध में का। आदमी को ध्यान रखना चाहिए, समाज के बीच में उठता है बैठता है तो केवल अपने प्रदर्शन के लिए रहेंगे, अरे मंदिर में प्रदर्शन के लिए नहीं जाया जाता है, मंदिर में तो प्रभु के दर्शन के लिए और आत्म दर्शन के लिए जाया जाता है, यही उद्देश्य है, यही प्रवच है, यही मतलब है, यही भावना होनी चाहिए। तो दुनियादारी को मंदिर के दरवाजे पर छोड़ करके फिर मंदिर में प्रवेश करें, केवल प्रार्थना के लिए, केवल अर्चना के लिए, केवल उपासना के लिए, केवल अपने आप में इंसानियत पैदा करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं आपसे, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने आप में इंसानियत को जन्म देना। अगर कोई आदमी एक जैन बन पाए ना बन पाए, एक हिंदू बन पाए ना बन पाए, एक वैष्णव बन पाए ना बन पाए, एक मुसलमान बन पाए ना बन पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आदमी को आदमी जरूर बन जाना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य जरूर हो जाना चाहिए। जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, वैष्णव, अग्रवाल, ये होना बहुत सरल है, बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है। जैन कुल में पैदा होने से आदमी जैन हो जाता है, एक ब्राह्मण के कुल में पैदा होने से ब्राह्मण हो जाता है, एक सनातनी के घर में पैदा होने से वो सनातनी हो जाता है, एक मुसलमान परिवार में पैदा होने से वो मुसलमान हो जाता है। लेकिन इंसान होने के लिए तप करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है, परोपकार करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंसानियत के मंदिर को नहीं गिरने देना, मनुष्यता के मंदिर को नहीं गिरने देना। हमने धर्म का चोला पहना है, उस धर्म के चोले को पहनने के बाद हमारी आत्मा भी बदलना चाहिए, हमारे विचार भी बदलना चाहिए, हमारे संस्कार भी बदलना चाहिए। हमारे संस्कारों में सेवा और परोपकार की भावना पैदा होनी चाहिए। संसार में आने के बाद तैरना सीखो। डूबना तो कोई भी सीख जाता है, डूबने के लिए कुछ सीखना नहीं पड़ता है। डूब तो हर कोई सकता है, एक मुर्दा भी डूब सकता है, लेकिन ज्ञानी के लिए तैरने की सीखने की बात कही जाती है। अरे जिधर सारी दुनिया जा रही उधर तुम चले गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। सारी दुनिया जिधर बह रही है उधर तुम भी बह गए तो कोई आश्चर्य नहीं है। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा तो एक मुर्दा भी कर लेता है। जिधर नदी का जल बह रहा है उधर तो एक मुर्दा भी बह जाया करता है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं, उसमें कोई बहादुरी नहीं। गंगोत्री से गंगा सागर की यात्रा एक मुर्दा भी कर लिया करता है, लेकिन वो जिंदा आदमी हुआ करता है जो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ बहता है। पानी जिधर से बह करके आ रहा है उधर बहना, ये जिंदा आदमी का लक्षण हुआ करता है। ये वही कर सकता है जिसकी बुझाओं में बल हुआ करता है और दो जय तैरना जानता है। जिधर जल बह रहा है उधर तो मुर्दा भी बह लिया करता है, लेकिन जिधर से जल बह करके आ रहा है उधर बढ़ना, उधर जाना, उस तरह बढ़ना, यह जिंदा आदमी का लक्षण होता है। सारी दुनिया गंगोत्री से गंगा सागर की तरफ जा रही है, मैं तुमसे कहता हूं तुम गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ की यात्रा करो, उसके लिए तुम्हें तैरना जरूरी है। तैरना सीखना पड़ेगा। भुजाओं चाहिए, भुजाओं में बल चाहिए, भुजाओं में हिम्मत चाहिए, उसमें बहादुरी चाहिए, उसमें बलिदान चाहिए, उसमें त्याग होन करना पड़ेगा, उसमें तप और साधना करना पड़ेगी, तब जाकर के वो गंगा सागर से गंगोत्री की यात्रा हुआ करती है। ठीक इसी तरह से जिधर सारी दुनिया जा रही है उधर तुम चले गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिधर परमात्मा चलता है, जिधर परमात्मा जाता है, जिधर परमात्मा मिलता है, उस गंगोत्री की तरफ बहने से, उस हिमालय की तरफ चढ़ने से आप सांस फूलती है, दम फूलता है, पसीना आता है, हाँफी चलने लगती है, दम घुटने लगता है। हिमालय की यात्रा पर हिमालय से नीचे उतरने में कुछ नहीं लगता है, हिमालय पर चढ़ने में सब कुछ त्याग करना पड़ता है। वही बात मैं तुमसे कह रहा हूँ, वही बात मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दूसरों को बदलने के लिए जो तुम्हारा प्रयास चल रहा है वो प्रयास व्यर्थ है। तुम दूसरों को नहीं बदल सकते, तुम केवल अपने आप को बदल सकते हो। तुम दूसरों को नहीं सुधार सकते, तुम केवल अपने आप को सुधार सकते हो। तुम अपने आप में परिवर्तन ला सकते हो, और अगर तुमने अपने आप में परिवर्तन ला लिया तो घर के सदस्यों में परिवर्तन अपने आप आ जाएगा। अगर सासू अपने में परिवर्तन लाती है तो उस सासू के परिवर्तन से बहू में परिवर्तन आ जाया करता है। अगर बाप ने अपनी आदतों को सुधार लिया तो उसके सुधार से बेटे का सुधार अपने आप हो जाया करता है। और अगर पति अपने आप को बदल लिया करता है तो पत्नी अपने आप बदल जाया करती है। अरे दो में से एक तो बदले, तुम बदलोगे युग बदलेगा। बदलाव की शुरुआत अपने आप से करिए, बदलने का क्रम अपने आप से अपनाइए, जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, जीवन का उद्धार हो जाएगा। बानर जीवन है क्या? यहां जो कुछ भी दिख रहा है वो सब माटी का है। यह शरीर जो मेरा है वो माटी का है, यह शरीर जो आपका है वो माटी का है, ये सोने की चेन जो आपने पहन रखी है माटी की है, ये टाइटन की घड़ी आपने पहन रखी है वो माटी की है, ये वस्त्र जो आपने पहन रखे हैं वो माटी के हैं, और माटी का एक दिन माटी में मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि माटी का माटी में मिले
उससे पहले मानवता का सेवा में आप लग जाओ। माटी माटी में मिल जाए, माटी माटी में समा जाए, माटी का माटी में मिलन हो जाए, उससे पहले आदमी को मानवता की सेवा में लग जाना चाहिए। मानवता के कर्म में अपने आप को लगा देना चाहिए, मानवता के मंदिर में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए, मानवता अपने आप में पैदा कर लेना चाहिए। और अगर वो मनुष्यता आदमी ने अपने आप में पैदा कर ली तो वो जीवन का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता है, वो जीवन की सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती है, वो जीवन का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हुआ करता है, वो जीवन का सबसे बड़ा संवेद शिखर हुआ करता है, वो जीवन का सबसे बड़ा गिरनार हुआ करता है। भाइयों, मैं तुमसे ही कह रहा हूं, स्वर्ग नरक तुम्हारी अपनी स्वयं की निर्णय है। फल मिलता है, अगर पाप करता है तो नरक मिलता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग मिलता है। किसी का दिल दुखाओ तो भगवान से क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, क्षमा उससे मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया है। इस मुल्क का तथाकथित धार्मिक इतना बेईमान है, इतना बेईमान, इतना बेईमान है, अरे पड़ोसी का दिल दुखाता है और जब पश्चाताप होता है तो दूसरे दिन मंदिर में जाता है, भगवान के चरणों में हाथ जोड़ करके कहता है, हे भगवान हो सके तो मुझे माफ कर देना। और मैं लोगों से कहता हूं कि भगवान से क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं, क्षमा मांगो उस आदमी से जिसका तुमने दिल दुखाया है, क्षमा मांगो उस पड़ोसी से जिसकी तुमने अमन चैन खो दिया है, क्षमा मांगो उस आदमी से जिसके दिलों में तुमने घाव पैदा कर दिए हैं, उससे जाकर के क्षमा मांगो। मंदिर में जाकर के परमात्मा के सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, खुदा के सामने जाकर के गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। उस आदमी से क्षमा याचना करिए, उस आदमी के हाथ जोड़िए, उस आदमी से माफी मांगिए जिसका तुमने अमन चैन खोया है, जिसके दिलों में तुमने घाव पैदा किए हैं, जिसके दिलों को तुमने ठेस पहुंचाई है और जिसके साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है, उस आदमी से क्षमा मांगिए। अगर उस आदमी ने तुम्हें क्षमा कर दिया तो तुम्हें परमात्मा भी क्षमा कर देगा, और अगर उस आदमी ने तुम्हें क्षमा नहीं किया तो इस दुनिया में ऐसा कोई परमात्मा नहीं जो तुम्हें क्षमा कर दे, जो तुम्हें माफ कर दे। परमात्मा को क्षमा और माफ करने का कोई अधिकार नहीं। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि परमात्मा तुम्हें माफ कर सकता है, तुम्हारे अपराधों को माफ नहीं कर सकता है, तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकता है, तुम्हारे पापों को माफ नहीं कर सकता है। इसीलिए ध्यान रखना, एक ही बात, एक मिनट नहीं, एक बात जो याद रखने जैसी है, एक मिनट नहीं, एक बात जो ध्यान में रखने जैसी है, वो बात केवल यही है कि आदमी पाप करे, अपराध करे, गुनाह करे, लेकिन इससे पहले ये जरूर सोच ले इस पाप का अंजाम क्या होगा। मैं मर्डर कर रहा हूं, इस मर्डर का अंजाम क्या होगा। मैं हत्या कर रहा हूं, इस हत्या का अंजाम क्या होगा। अरे हत्या का अंजाम हमेशा हत्या हुआ करता है और गुनाह का अंजाम हमेशा दुख हुआ करता है। पुण्य करो वैभव मिलेगा, पाप करो पीड़ा मिलेगी, पुण्य करो पूजा होगी, पाप करो पिटाई होगी। क्या चाहते हो, निर्णय आपको करना है। पाप करोगे कानून पकड़ लेगा, जेल जाओगे, सजा पाओगे, मरने के बाद तो पता नहीं किस नरक में पैदा होगे। पुण्य करोगे दुनिया तुम्हारी तारीफ करेगी, दुनिया तुम्हारी प्रशंसा करेगी, मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में जाओगे। ओम नमः। क्रांतिकारी विश्व संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के साहित्य को पढ़िए एवं पूज्य मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानिए। ऐसा साहित्य आप एक बार पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ेंगे। अहिंसा महाकुंभ एक ऐसी पत्रिका जिसमें आपको मिलेंगे पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचार। प्रत्येक माह घर बैठे अहिंसा महाकुंभ पत्रिका मंगाएं एवं मुनि श्री के क्रांतिकारी विचारों को जानें। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका, तरुण क्रांति मंच ट्रस्ट, 196 सेक्टर 18, फरीदाबाद हरियाणा। फोन नंबर 01292262549।